हेलो स्टूडेंट, टुडे वी हैव लर्न साइंस सेकेंड यूनिट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। वी हैव लर्न अर्लियर इन पार्ट वन अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमंस, ओके, और फीडिंग हैबिट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। नाउ इन दिस चैप्टर, इन दिस पार्ट वी हैव लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ओके। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में। Have you observed cow, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो काउ और बफेलो है वो जब नहीं खा रहे होते घास वगैरह, तभी भी उनका मुँह कंटिन्यू चल रहा होता है, वो कंटिन्यू चबा रहे होते, ठीक है। तो ये क्यों है वो आपने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करना। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। क्या करते हैं वो लोग, ग्रास जो है उसको स्वेल कर लेते हैं। स्वेल मीन्स क्या करना है, निगल लेते पहले और उसको स्टोर करते हैं र्यूमेन में, स्टमक में उनके पार्ट होता है उसे कहते हैं र्यूमेन। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट कॉल्ड कड। उधर पर जो उनका जो फूड है ग्रास जो है वो थोड़ा सा डाइजेस्टेड हो जाता है उसे कहते हैं कड। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स चेव इट। और उसके बाद थोड़े समय बाद वो क्या होता है, वापस उनके माउथ में आ जाता है और फिर वो एनिमल्स उसे चबाते हैं, इसलिए वो कंटिन्यूसली चबाते हुए दिखते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट। क्या होता है, इस प्रोसेस को जो रूमेन में चला जाता है, ठीक है, उनका फूड और वो वापस आता है उसे वो चबाते हैं, इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। और ऐसे जो एनिमल्स होता है उन्हें क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं, ओके। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। क्या है, ग्रास में क्या होता है, सेल्यूलोज वो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। उसमें क्या, मैनी एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो सिर्फ डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ओके। दिस इज द फिगर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स का दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसोफेगस, जिसे हम कहते हैं फूड पाइप, जो कि ह्यूमंस में भी होती है, वैसे ही ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होती है। उसके बाद जो दिया है एक शेप्ड जैसा रूमेन दिया है, उसके पीछे है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो पार्ट है उसे कहते हैं स्टमक, फिर केकम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पीछे की तरफ दी हुई है, ओके। तो ये फिगर दिया हुआ है आपको। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमेन बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या दिया है, रूमिनेंट्स जो होते हैं एनिमल्स उनमें क्या होता है, लार्ज सैक की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रूमेन कहते हैं। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। और जो इसमें सेल्यूलोज होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं अपने एक्शन के थ्रू, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया ये एनिमल्स में ही होते हैं। सो फॉर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, हमने इसमें ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनके पास एक प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जैसे ह्यूमन बींग्स में, बट ऐसे बहुत से ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड फूड डाइजेस्ट, वो किस तरीके से अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। इसके बाद वाले सेक्शन में आप क्या देखेंगे अभी, कि जो किस तरीके से, जिनके पास माउथ नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, पर फिर वो किस तरीके से फूड ले रहे हैं और किस तरीके से डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो ये तो इंटरेस्टिंग हुआ जानना। तो नेक्स्ट में हम जानते हैं क्या है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर। अमीबा क्या है, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मीन्स जिसे हम ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड में पाया जाता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। उनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं,
बबल की तरह। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन। और अमीबा क्या करता है, कॉन्स्टेंटली चेंज करता है अपने शेप और पोजिशन को। इट पजेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। और ये किस स्यूडोपोडिया किस लिए यूज़ होता है, उनके मूवमेंट के लिए और अपने फूड को कैप्चर करने के लिए ये यूज़ होता है। दिस इज द फिगर ऑफ अमीबा। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या दिया है, न्यूक्लियस दिया हुआ है ब्राउन कलर में, स्पोरोफोडिया दिया हुआ है उसका जो बाउंड्री है वहाँ पर, ठीक है, इसके वजह से वो मूवमेंट कर सकते हैं। फूड पार्टिकल्स है, फिर फूड वैक्यूल दिए हुए हैं एंड इजेस्टेड वेस्ट, और उसके बाद दिया हुआ है वेस्ट जो वो डाइजेस्ट करने के बाद जो उनके पास वेस्ट होता है वो किस तरीके से निकाल देते हैं वो। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एंगुल्स इट। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड जो है वो किस में आ जाता है, फूड वैक्यूल में कैप्चर हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है अमीबा में। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इन टू द फूड वैक्यूल। जैसे कि ह्यूमन में होता है डाइजेस्टिव जूस, सिक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस, वैसे इसमें भी होता है, और ये किस में होता है, फूड वैक्यूल में होता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस। और डाइजेस्टिव जूस का काम क्या है, जो फूड है उसे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। इसी तरीके से अमीबा में भी वो सिंपलर सब्सटेंस में उसे कन्वर्ट करते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड ऑफ इज एब्जॉर्ब्ड। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाई द वैक्यूल। और जो इसके वजह से एब्जॉर्ब सब्सटेंस की वजह से उनकी ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होता है और वो बढ़ते जाते हैं। और अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फूड वैक्यूल के जरिए बाहर की तरफ आ जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल। क्या है, प्रोसेस जो उसके डाइजेशन की है और एनर्जी रिलीज करने की है वो सेम है सभी एनिमल्स में। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाई द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब जो उन्होंने किया है उसे अलग अलग पार्ट में बॉडी के किस तरीके से वो सेंड करते हैं वो। इन दिस चैप्टर वी हैव टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है उनकी हैबिट्स को, फीडिंग हैबिट्स को, और सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड, इन दिस पार्ट वी हैव लर्नड फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के बारे में पढ़ा है जिसके माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते हैं बट फिर भी वो फूड लेता है और डाइजेस्ट करता है, राइट। और सेकेंड वन क्या हमने पढ़ा है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन सिस्टम जो है उसका वो, तो वो इस चैप्टर में पढ़ा है। आई होप यू हैव लर्न इट इजीली एंड आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।